जय श्री राम। आज मैंने भी जय श्री राम बोला है, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय श्री राम लिखिएगा। मैं तन्वी इनोवेटिव बोल रही प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी लोग इस विंटर सीजन बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। लोकेशन की मैं बात करूँ तो दिल्ली जैसे शहर में है द्वारका मो मेट्रो से 700 मीटर के रेडियस पे आपको मिल जाता है आपका खूबसूरत सा आशियाना। फटाफट से डिटेलिंग स्टार्ट कर लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। आपको फ्रंट साइड में बालकनी का स्पेस मिल जाता है और बैक साइड में भी बालकनी का स्पेस मिल जाता है। टू साइड ओपन आपका एक खूबसूरत सा 3 BHK का फ्लैट है और वेंटिलेशन का हमने पूरा ख्याल रखा हुआ है। हर एक रूम में और किचन एरिया में आपको वेंटिलेशन का प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा। 3 BHK का फ्लैट है, 95 गज में बना हुआ है, लिफ्ट एंड कार पार्किंग की फैसिलिटी के साथ मिल जाएगा। लोनेबल प्रॉपर्टी है, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, LIC से भी आपको लोन अप्रूव हो जाएगा। और मैं आपको बता देती हूँ 21,000 रुपये का टोकन अमाउंट लेकर के आना है और हमसे लेके जा रहे हैं अपना खूबसूरत सा आशियाना। आप देख रहे हैं मेरे ही बैक साइड में बहुत ही खूबसूरत सा लिविंग एरिया और जो आपके घर के चार चांद लगा रहा है। बैक साइड की वॉल आप देख सकते हैं, बहुत ही डिजाइन बैक साइड की वॉल आपको मिल जाती है। यहाँ पे कृष्ण राधा जी का स्वरूप आपको मिल रहा है। LED स्ट्रिप लगा करके हमने बहुत ही इन्हांस किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे अगर गेस्ट भी आपके घर में आए ना, आपके घर की तारीफ करे बगैर जाने नहीं वाले हैं। मैं इस चीज़ की गारंटी दे रही हूँ आपको। अब फॉल सीलिंग का पैटर्न देखिए प्लीज, शैंडेलियर दो फैन और मूड लाइट के साथ, स्ट्रिप लाइट के साथ बहुत ही इन्हांस करता हुआ हमने फॉल सीलिंग का पैटर्न बनाया है। नई नई इन्वेंशन करना हमारा काम है, बिकॉज इनोवेटिव मतलब होता है नई नई क्रिएशन, नई नई इन्वेंशन। जब आपके फ्रेंड्स यहाँ पे सिटिंग पे होंगे देन आपके मनोरंजन का साधन आपको हमने इतना ही ह्यूज एंड स्पेशियस बना के दिया हुआ है। आप कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, स्विचर सॉकेट जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ आपको स्विचर सॉकेट मिल जाता है। बहुत ही शानदार सा आपका जानदार सा आपका लिविंग एरिया है। और आप यहाँ पे स्प्लिट AC की वायरिंग देख सकते हैं, यहाँ पे हमने आपको स्प्लिट AC की वायरिंग भी लगा करके दी हुई है। अब मैं आपको आपकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखते हुए हमने आपका बनाया है ये गेस्ट वॉशरूम। आप देख सकते हैं गेस्ट वॉशरूम में टॉप टू टाइलिंग का प्रॉपर वर्क आपको मिल जाता है। एग्जॉस्ट फैन भी हमने लगा करके दिया हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत ही आलीशान मंदिर का भी स्पेस है। और क्या ही चाहिए आपको, अब मैं आपको ले करके चलती हूँ आपका मॉड्यूलर किचन जहाँ प्यार और खाना भरपूर मात्रा से मिलता है। आप एंटर करेंगे तो एंटर करने से पहले आपको ना बड़े से बड़ा रेफ्रिजरेटर का स्पेस अपने आपको लिए बड़ा भी आप अपना रेफ्रिजरेटर रख सकते हो। यहाँ पे आपको स्विच एंड सॉकेट लगा के दिया हुआ है। देन आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको पैंट्री का स्पेस मिल जाता है, पैंट्री का स्पेस भी आप देख सकते हैं। अंदर पूरा माइका का काम आपको मिल जाता है, दीमक लगने के कोई चांसेस नहीं है। देन अब आप प्रवेश कर रहे हैं अपने ही मॉड्यूलर किचन में। कुक टॉप देखिए, बहुत ही बेहतरीन कुक टॉप है, डबल मोल्डिंग के वर्क के साथ आपको मिल जाता है। मैं आपको ड्रॉ दिखा देती हूँ, आप एक बार ड्रॉ देखिए कितना ही बेहतरीन काम आपको आपके ड्रॉ में मिल रहा है। टॉप टू बॉटम सफिशिएंट स्पेस है, बहुत ही स्पेशियस आपका फ्लैट है। वेंटिलेशन का यहाँ पे भी हमने ख्याल रखा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बोला था सारे रूम किचन एरिया बहुत ही वेंटिलेटेड है। विंडो का स्पेस आपको मिल रहा है, हेवल्स का एग्जॉस्ट फैन लगा करके हमने दिया हुआ है। क्वालिटी के साथ इनोवेटिव बोलते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको SS की सिंक मिल जाती है, टैप फिल्टर धोकर के मिलेगा। जब आपको नॉर्मल वाटर चाहिए होगा तो ये स्विच को आप ऑन करेंगे और हैवी वाटर चाहिए होगा तो आप इस स्विच को ऑन करेंगे, है ना। क्वालिटी कितनी अच्छी है, अब बस आपको आना है, स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है, फर्दर इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है। फॉल सीलिंग का पैटर्न देखिए आप इसका भी, किचन एरिया में भी आपको फॉल सीलिंग का पैटर्न मिल जाता है। बहुत ही खूबसूरत सा शैंडेलियर है आपका, ये खूबसूरत सा लैंप लगा करके दिया है हमने। बहुत ही जानदार सा शानदार सा आपका घर आपको मिल जाता है। मंदिर का स्पेस आपने पहले भी देख लिया तो अब आप आ जाइए अपने ही फर्स्ट बेडरूम में। ये आपका बैक साइड है और इसकी बालकनी का भी स्पेस आपको मिल जाता है। जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको वैनिटी स्पेस मिल जाता है और कॉस्मेटिक आइटम रखने के लिए भी स्पेस मिल रहा है। देन मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको खूबसूरत सा डिवाइडर मिल जाता है, कलर कॉम्बिनेशन इट्स वेरी ब्यूटीफुल। फॉल सीलिंग का पैटर्न देखिए, यूनिक डिज़ाइन में बहुत ही शानदार सा फॉल सीलिंग का पैटर्न आपको आपके
फर्स्ट बेडरूम में मिल जाता है। यहाँ पे हम मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे हमने 6x6 का बेड प्लेस किया हुआ है। बैक साइड पे आपको क्विल्टिंग का काम मिल जाता है और यहाँ पे वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखते हुए आपको विंडो मिल जाती है। विंडो एसी लगाने का भी स्पेस आपको मिल रहा है, स्विच एंड सॉकेट भी मिल रहा है और आपको मेरे जस्ट सामने ही स्लाइडिंग डोर अलमीरा मिल जाती है। बहुत ही शानदार सा काम आपको आपके घर में मिल रहा है। तो अब हम देख लेते हैं आपकी बालकनी का भी स्पेस। तो आ जाइए, ये आपके बालकनी का स्पेस है। एसएस के ग्रिल लगाकर के ड्रेनेज का स्पेस आपको मिल जाता है। वॉशिंग एरिया आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। और आपको मैं फ्रंट की बालकनी पे दिखाती हूँ, वो भी बहुत ही स्पेशियस है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए फटाफट से आपके घर का सफ़र समाप्त करते हैं। आई होप बहुत ही शानदार इंटीरियर वर्क कलर कॉम्बिनेशन आपको लगा होगा और हमारे चैनल को ऐसी लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसी खूबसूरत खूबसूरत वीडियो लेकर के मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत होती रहूं। तो फर्स्ट बेडरूम मैंने आपको दिखा दिया, ये आपको सेकेंड बेडरूम में आपको दिखा देती हूँ। तो आ जाइए, ये आपका सेकेंड बेडरूम आपको मिल रहा है। मास्टर बेडरूम आप कह सकते हो, अटैच वॉशरूम के साथ आपको मिल रहा है और आपको कर्टन्स भी मिलेंगे। जी हाँ, आपके घर के साथ अगर फुली फर्निश आप लेते हैं तो आपको कर्टन्स भी मिलेंगे। सेमी फर्निश में आपको मूवेबल ऑब्जेक्ट हट जाएगा, बाकी आपको एज इट इज एज मिलेगा। विंडो का स्पेस मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको कहा था फुली वेंटिलेटेड आपका घर रहने वाला है। तो ये आपको विंडो का स्पेस मिल जाता है, विंडो एसी लगाने का भी स्पेस आपको मिल जाता है। अब मैं दिखा देती हूँ आपका रूम साइज। आप रूम साइज देख सकते हैं, यहाँ पे 6x6 का बेड प्लेस किया हुआ है। बैक साइड में आपको कूलिंग का काम मिल जाता है। बोथ साइड आपको स्टोरेज के लिए स्पेस मिल जाता है, आप देख सकते हैं। मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ, कितनी ही डेप्थ अच्छी है अंदर की। अंदर माइका का काम प्रॉपर आपको मिल जाता है। दीमक लगने के कोई चांसेस नहीं है बिकॉज क्वालिटी के साथ हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ है। मैं आपको अब दिखा देती हूँ आपका अटैच वॉशरूम, प्रॉपर टाइलिंग वर्क के साथ, ऑल प्राइमरी सैनिटरी फिटिंग के साथ आपको मिल जाता है आपका अटैच वॉशरूम। एग्जॉस्ट फैन लगा करके हम देंगे आपको। टीवी यूनिट अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपका खूबसूरत सा टीवी यूनिट और यहाँ पे स्विच एंड सॉकेट लगा के दिया हुआ है। और फॉल सीलिंग का पैटर्न देखिए, बहुत ही डिसेंट सा रिच लुक देता हुआ बहुत इन्हांस कर रहा है आपके ये मास्टर बेडरूम को। अब हम चलते हैं आपके थर्ड बेडरूम में जिसका एक्सेस आपको आपके बालकनी से मिलेगा। तो आ जाइए, आपका थर्ड बेडरूम भी देख लेते हैं, कितना ही शानदार सा आपका थर्ड बेडरूम है। और एंटर आप करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका टीवी पैनल। आप अपने हिसाब से बता दीजिएगा आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए टीवी पैनल के लिए, वो हम लगा देंगे, अभी काम चल रहा है। यहाँ पे आपको नाइट लैंप मिल जाता है। फॉल सीलिंग का पैटर्न तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आपके फाइनल बेडरूम का फॉल सीलिंग का पैटर्न कैसा लगा आपको। यहाँ पे हमने 6x6 का बेड प्लेस किया हुआ है। बैक साइड पे क्विल्टिंग का काम आपको मिल जाता है। बोथ साइड आपको स्टोरेज के लिए टॉप टू बॉटम सफिशिएंट स्पेस है। और मैं आपको वेंटिलेशन के लिए दिखा देती हूँ आपका खूबसूरत सा विंडो का स्पेस, विंडो एसी लगाने का स्पेस, बालकनी का एक्सेस दे रहा। मैं आपको वैनिटी स्पेस पहले दिखा देती हूँ, फिर हम चलते हैं आपके बालकनी में। ये आपका वैनिटी का स्पेस आपको इस रूम में भी मिल जाता है। और यहाँ पे आप अपने क्लॉथिंग भी रख सकते हैं और नीचे के स्टोरेज में आप अपने कॉस्मेटिक आइटम भी रख सकते हो। तो चलिए अब हम चलते हैं आपके बालकनी स्पेस में। बालकनी स्पेस में देखे हुए कैसा बालकनी का स्पेस आपको मिल रहा है। और अप्रोच रोड में बता देती हूँ, 30 फीट की वाइड रोड आपको आपके घर के बाहर मिल जाती है। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये आपकी बालकनी का स्पेस है। ड्रेनेज के लिए आपको स्पेस मिल जाता है, टैप फिटेड होकर के मिलेगा। बैक साइड में भी अपना वॉशिंग एरिया मैंने कहा था बना सकते हैं और फ्रंट साइड पे भी अपना वॉशिंग एरिया बना सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। अप्रोच रोड में आपको दिखा देती हूँ, 30 फीट की वाइड रोड आपको आपके फ्रंट में मिल जाती है बहुत ही बेहतरीन काम के साथ, इतनी ज़्यादा खूबसूरत इंटीरियर वर्क के साथ, इतना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन। फॉल सीलिंग का भी तो पैटर्न देख लीजिए अपने बालकनी में, 2 नाइट लैंप लगा करके बहुत ही इन्हांस करता हुआ, 0 मेंटेनेंस के आपका ये फ्लैट रहने वाला है। प्रॉपर टाइलिंग का वर्क मिल रहा है आपको आपके घर में। तो आ जाइए, डिटेलिंग की फटाफट से बात कर लेते हैं। तो आ जाइए, मैं आशा करती हूँ आज की प्रस्तुति देख करके आप आश्चर्यचकित तो ज़रूर हो गए होंगे
इतना ही बेहतरीन फ्लैट है, टू साइड ओपन है, बोथ साइड आपको बालकनी का स्पेस मिल जाता है और तो और अप्रोच रोड 30 फीट की वाइड रोड मिल जाती है। नीट एंड क्लीन गली के साथ आपको आपका घर मिल रहा है। फटाफट से डिटेलिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। 3 BHK का फ्लैट है, 95 गज में बना हुआ है। लिफ्ट एंड कार पार्किंग की फैसिलिटी के साथ मिल जाएगा। लोनेबल प्रॉपर्टी है, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। LIC से भी आप लोन अप्रूव करा सकते हैं। जी हाँ, 21,000 रुपये का टोकन अमाउंट लेकर के आना है और हमसे लेके जाना है अपना खूबसूरत सा आशियाना। और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करते रहिएगा। और शॉर्ट वीडियोज के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक का हमारा चैनल है, वहाँ पर भी आप जाके क्लिक करके आप अपना शॉर्ट वीडियोस भी देख सकते हैं। और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करते रहिएगा। और मैं मिलूंगी आपको अपनी एक नई वीडियो के साथ, नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।